हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास सिक्स के बच्चों को हिंदी में एक चैप्टर है सहजन का पेड़। यह अध्याय बड़ा ही रोचक है क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आप भी कुछ सोचने को विवश हो रहे हैं, क्योंकि इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है या यह सीख मिलती है कि अकर्मण्यता और भाग्य भरोसे बैठे रहने से अच्छा होता है कि कुछ किया जाए। परिश्रम का महत्व समझाते हुए कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करना ही जीवन में श्रेष्ठ है, यह कहानी हमें सीख रही है। बताने जा रहा हूँ यह कहानी के माध्यम से सहजन का पेड़। यह सहजन का पेड़ क्या है? एक कुलीन परिवार है जिसके चार भाई हैं। परिवार की जायदाद व धन दौलत बर्बाद हो चुकी है। चूँकि पुराना अमीर था, स्थिति सब दिन एक समान नहीं रहती है, इसलिए एक समय ऐसा आया कि उसके परिवार की सारी स्थिति खराब हो गई, कमज़ोर हो गया। चारों भाई हुनरमंद व पढ़े लिखे थे, फिर भी वे अपनी पुरानी खानदानी इज्जत के कारण कहीं कोई नौकरी चाकरी या काम धंधा नहीं कर पाते थे। घर की गरीबी दिन ब दिन बढ़ रही थी। औरतों का सारा जेवर भी लुके छिपे कम दामों पर बिक गया था। आखिर एक दिन ऐसा आया कि उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। अब उसके पास कुछ भी ना बचा उनके पास। लेकिन तब क्या था कि उनके घर में एक सहजन का पेड़ था, उसके फलने का मौसम भी था। बड़ी लंबी और हरी हरी सहजन की फलियां लटक रही थी। जब शाम हो जाती तो चारों तरफ सन्नाटा हो जाता। तब लोग क्या करते, उनमें से एक भाई सहजन को तोड़ता और रात में एक सब्जी बेचने वाली उसके घर पे आती और वह उसे जो दाम देती उस दाम में वह दे लेता। इसके पीछे कारण यह था कि वह एक प्रतिष्ठित परिवार था। लोगों के सामने में वह अपनी स्थिति को, अपनी गरीबी को दिखाना नहीं चाहता था। एक दिन, अब धीरे धीरे ऐसा हुआ, एक दिन उनकी सारी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। वह सहजन का पेड़ था जिसके कारण उसकी स्थिति, खाने पीने की, भोजन तो कम से कम चल रहा था केवल। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, परीक्षा, भगवान भी उसके भाग्य की परीक्षा लेना चाह रहे थे। तो क्या किया कि उसके घर में एक उनके रिश्तेदार मित्र आए, रिश्तेदार आए, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाए कि उनके घर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। इधर सभी भाई देखे कि वह एक जो उनके घर पे आया है रिश्तेदार, अब उनको क्या खिलाया जाए, खाना तो कम है। तो सारे भाई ने किसी तरह करके, किसी ने कहा मुझे पेट दर्द है, किसी ने कहा मैं दूसरे जगह दावत खाने जाऊंगा, किसी ने कहा कि पेट दर्द है, किसी ने कहा मैं दूसरे जगह खाने भी जाऊँगा। इसी तरह से करके तीन भाई जो थे वह अपने अपने खाने को छोड़ दिए, बांट दिए उस सब उस गेस्ट को, मेहमान को खिलाने के लिए अपने खाने का त्याग कर दिए। लेकिन एक भाई उसके साथ जो बैठा था, क्योंकि गेस्ट के साथ किसी को तो बैठना था, तो एक भाई बैठा, लेकिन वह अभी पहले से प्रशिक्षित कर दिया गया था कि खाने में पहले मेहमान को पूरा भोजन उनको कराना है। तो वह बीच बीच में जब माँ खाना लेकर आती थी तो वह कह देता था कि मुझे नहीं चाहिए यह। लेकिन धीरे कुछ देर में ही वह जो मेहमान थे वह इस बात को तार गए और वह खाना खा के सोने के लिए चले गए। सोने के क्रम में वह एक नाटक के जैसा कि वह जानना चाहते थे कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति है। तो रात में वह सोने का नाटक कर रहे थे, उसी समय उसका बड़ा भाई रात में चुपके से दबे पांव सहजन के पेड़ से सहजन की फलियां तोड़ा और वह उस कुंजरीन, वह जो बेचने वाली सब्जी विक्रेता थी उसके हाथ में। आज वह सब्जी विक्रेता भी अपने हिसाब से बात करने लगी। वह बोली कि अब सहजन की बिक्री नहीं है, ग्राहक मांग नहीं कर रहे, इसलिए इसका दाम हम आपको कम देंगे। अब उसकी स्थिति ऐसी थी कि परिस्थिति बस वह समझौता कर लिया और उसने कहा कि ठीक है, अभी हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं, जो देना है तुमको दे दो। यह सारी बात वह गेस्ट जो थे, वह मेहमान जो थे, वह सुन रहे थे। उन्होंने नाटक कर रखा था, ढोंग कर रखा था सोने का। वह तो स्थिति से अवगत होना चाहते थे। उन्हें लग गया कि सभी भाई आपसी में आपस में दिखावा कर रहे हैं। रात में उसने क्या किया तो समझ गए कि वह, यह चारों तो है तो अच्छे पढ़े लिखे हैं, तेज तरार है, बुद्धिमान है, यह कुछ काम करके भी जीवन चला सकते हैं, लेकिन यहाँ भाग्य भरोसे बैठ गए हैं एक सहजन के पेड़ के भरोसे। तो ऐसा करें कि सहजन के पेड़ को काट देते हैं। तो उसने क्या किया, रात के में चुपके से सहजन को पेड़ को काट दिया और वह दबे पांव सवेरे अंधेरा सुबह में, सुबह होने से पहले ही वह वहाँ से चले गए।
जब सुबह हुई तो सब भाई उठे, देखा पेड़ कटा हुआ था। उन्होंने अपने उस मेहमान को काफ़ी बुरा भला कहा। अब उनके पास अपना जीवन चलाने के लिए कुछ नहीं था। अब बस आपस में सब विचार करके सभी भाई वहाँ से अपनी रोजी रोटी के तलाश में जगह जगह फैल गए, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, और इस तरह से सबों ने अपने लिए काम खोज लिया। धीरे धीरे अपने काम में वो इतने मग्न हो गए कि उन्हें अपनी पुरानी स्थिति याद नहीं रही और वह धीरे धीरे तरक्की करते चले गए। जब उन्हें एहसास हो गया, लौट करके जब वह आए तो उन्हें एहसास हो गया कि वह मेरा जो मेहमान था वह मेरे लिए बुरा नहीं किया, उन्होंने मेरे लिए अच्छा ही किया। अगर मैं उस दिन पेड़ नहीं कटता तो हम लोग वहीं बंधे रह जाते। वो तो अच्छा हुआ कि पेड़ को उसने काट दिया और हम लोग आ गए अपने कर्म को करने के लिए और इस तरह से हम लोग सफल हुए। यह कहानी थी। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि परिश्रम और परिश्रम का महत्व समझते हुए कर्तव्यनिष्ठ होकर काम करने से ही हमें सफलता मिलती है।